नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नालंदा के 45वें एसपी के रूप में अशोक मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल और लोगों की समस्या सुनना और उसका निदान करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। थाने में हर आने वाले फरियादियों की फरियाद हर हालत में थाना अध्यक्ष को सुननी होगी। कहा कि यदि जनता को लगे कि उनकी समस्या का निदान थाना स्तर पर नहीं हो रहा है तो वह सीधे हमसे भी मिल सकते हैं। देखिए, पुलिस जो है वो काम जो है वो लॉ के हिसाब से करती है, नियम के हिसाब से करती है, और पुलिस जैसा नियम है, जैसा लॉ है, वैसा ही करेगी। पब्लिक जो भी है उसे हमें सुनना है, उनकी समस्याओं को समझना है। यदि पुलिस से संबंधित कार्य है तो उसको सुलझाना है, और पुलिस से संबंधित कार्य है तो उसको करना है। इसके अलावा जो है वो किसी प्रकार से जो है वो प्रभावित पुलिस नहीं होती है। जो नियम है, जो कानून है, उसी के अनुसार हमें काम करना है। गोपालगंज जिले के चर्चित समाज सेवी लवली राजपूत ने 4 जनवरी 2022 को अपने जन्मदिन के मौके पर गोपालगंज जिले के सवैया एयरफील्ड के ललित बस्ती में पहुंचकर कई परिवारों के बीच कंबल और बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण किया। हालांकि अब कोई पहला मौका नहीं था जब वो लोगों को मदद के लिए आई थी। इससे पहले भी बाढ़ के दौरान प्रतिदिन 400 से 500 परिवारों को भोजन वितरण करने और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाने का काम उन्होंने कर रखा है। पुनपुन प्रखंड के पार्थु पंचायत की मुखिया पिंकी देवी को निर्विरोध मुखिया अध्यक्ष पद पर चुना गया। पिंकी देवी ने कहा कि प्रखंड के सभी 13 मुखिया का मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखूंगी और पंचायत के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगी। देखिए, जो सब लोग जीता है उनको पहले तो धन्यवाद दूंगी, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहूंगी कि सब लोग ना मुखिया का जो हमको अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं, मीटिंग, और उस मीटिंग में सबसे बात विचार होगा, सबसे राय बात लिया जाएगा, कैसे क्या करना है। जो वो लोग जो बोलेंगे वो मैं काम करूँगी, और चाहेंगे कि वो लोग भी ऊपर की ओर उड़े, सबको आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले तो पंचायत क्या, हम पूरे प्रखंड के हमारे जितने भी 13 उम्मीदवार नवनिर्मित जितने हम लोग मुखिया हैं, हमारे भाई हैं, कितने बहन हैं, वो लोग जो 13 मुखिया बने हैं और 13 मिलकर हम लोग एओ के मुखिया संघ के अध्यक्ष बना है। तो सबसे पहले हमारा मांग है पुनपुन प्रखंड में कि 13 मुखिया के जिस तरह से उप प्रमुख हो गए, प्रमुख हो गए या BDO हो गए, CEO हो गए, जो भी पदाधिकारी हो, सबका एक चैम्बर बना हुआ है। और जिस तरह से मुखिया लोग आते हैं ब्लॉक में, उनके साथ पंचायत का जो वोटर है उनका तो मतगणना है, जो लोग आते हैं खोजने के लिए, काम कार्य करवाने के लिए, तो भाई मुखिया जी तो कहीं उनका ऑफिसे नहीं है। आखिर मुखिया जी को खोजें कहाँ पे, या चाय के दुकान पे मिलेंगे या कहीं रोड पे मिलेंगे, बहुत लोग खोजते खोजते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि सभी मुखिया के लिए एक आवास बन जाए, ताकि सब लोग अपना एक जगह ऑफिस में बैठे। गया शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अनुग्रह कॉलेज खेल मैदान में अनुग्रेज अंडर 17 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन मेयर और डेप्यूटी मेयर ने संयुक्त रूप से किया। सबसे पहले मैच का उद्घाटन राष्ट्रगान के साथ किया गया। अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया में इस क्रिकेट का मैच मैं यह आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूँ कि इस कोरोना महामारी के दहशत में आज आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम बहुत जरूरी है। इस खेल से सभी लड़कों के बीच में और जो आसपास के लोग भी हैं वे लोग प्रैक्टिस करेंगे इस महाविद्यालय में और अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे। छपरा में परसा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय विशुनपुर में लुईस ब्रेल जयंती के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के दृष्टिबाधित छात्राओं ने लुईस ब्रेल की जीवनी और दहेज उन्मूलन को लघु नाटिका प्रस्तुति दी। साथ ही इस दौरान लुईस ब्रेल के तैले चित्र पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित की गई। सर, पैसा इधर देंगे सर। सर,
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।